गंमत औरंगाबादची अध्यक्ष महोदय श्री शिवाजी महाराजांना कोणी विरोध करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल। मदत करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये गद्दार बोलते हैं मुझे, जो गद्दार खुश है। अध्यक्ष महोदय आता अबू आजमी साहेब, ओ अबू आजमी साहेब बोला जर ऐक रे महेश लांडे साहेब बोला। अध्यक्ष महोदय यांनी जातीचा धंदा मांडलाय। सन्माननीय सदस्य काही फोटो त्यांनी माझ्याकडे पाठवून द्यावे, काही चूक झालं असेल कोणी केलं असेल तर कारवाई केली जाईल। चला अध्यक्ष महोदय एवढा आपल्या या राज्यामध्ये अरे मग छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणतो, औरंगाबादला गाला लावतो याचा काय संबंध औरंगाबादशी? अध्यक्ष महोदय जर छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानतो तर याचा औरंगाबादशी काय संबंध? याचा औरंगाबादशी काय संबंध? प्रश्न विचारा, जर प्रश्न विचारा। अध्यक्ष महोदय आता बरीचशी चर्चा सभागृहामध्ये झालेली, अध्यक्ष महोदय या सभागृहामध्ये आलेला प्रत्येक सदस्य हा छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानणारा सदस्य आहे। माझं जर कोण मानणार असेल त्याने हात वर करा, जो मानणार असेल त्याने हात वर करा, आणि जर तो मानतोय तर औरंगजेबाला मानायचा त्याला संबंध काय? औरंगजेबाला मानायचा संबंध काय? अफजल खानाला मानायचा संबंध काय त्याचा? अरे जर तुम्ही या महाराष्ट्रात राहता, जर छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानता तर तुमचा संबंध काय औरंगजेबाला मानायचा? अरे ज्यांनी आमच्या राजाला छळलं, ज्यांनी आमच्या प्रजेला छळलं, ज्यांनी आमच्या धर्म वाटवायचा प्रयत्न केला त्याच्यासाठी तुम्ही वाढणार आमच्या सभागृहात? अध्यक्ष महोदय अशा डोक्यात असलेल्या विकृतींना आपल्याला थांबवावं लागेल। गृहमंत्री महोदय अशा लोकांना आपल्याला कडक कारवाई करावी लागेल जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विरोधात आहेत, जे महाराष्ट्राच्या विरोधात आहेत, या इथल्या धर्माच्या विरोधात आहे, त्यांना कठोर कारवाई आपण करणार का हा माझा प्रश्न आहे। अध्यक्ष महोदय कुछ मुस्लिम लड़कों ने स्टेटस लगाया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है आपने उस पर केस किया, मैं पूछना चाहता हूं उसके बाद डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर गए उनकी कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाया और कहा किसी में दम है तो मुझ पर केस करके दिखाओ, क्या इस देश में दो किस्म का कानून चलता है? अगर किसी ने स्टेटस लगाया तो उस पर केस कर दिया गया, और एक आदमी चैलेंज कर रहा है आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो। ट्रेन में जो हादसा हुआ ना सर, इसी वजह से हुआ है, जो नफरत फैलाई जा रही है 24 घंटे एक ही काम है इस कि किसी तरह से मुसलमानों को हिंदू भाइयों में बदनाम करो, ये चीज लाओ, ये लाते हैं जिस चीजें अध्यक्ष महोदय पूरे देश में अध्यक्ष महोदय हालत ये हो गई है कि आप किसी को बुरखा पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार जाएगा। अध्यक्ष महोदय मेरी कौन चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये गद्दार बोलते हैं मुझे, जो गद्दार खुश है। नाथूराम गोडसे की फोटो लगाई जा सकती है, गांधी जी के कातिल का प्रचार किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ये सब जानबूझ करके किया जा रहा है, ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय